अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो में बेसिकली जो है हीरोइन के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे। हीरोइन वो वाली हीरोइन है जो मूवीज़ के अंदर आती है, ये वो हीरोइन है जिसका जो है लोग नशा करते हैं। जो है इसको जो है डिफरेंट नामों से जो है जाना जाता है, जिसमें जो है वाइट शुगर, ब्राउन शुगर या पाउडर, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, अफ्यूम ओपियम की मॉडिफिकेशन है। रिसर्चेस के मुताबिक जो इंसान जो है इसको 2 या 4 बार लगातार इस्तेमाल कर लेता है तो वो जो है खुद इसको छोड़ नहीं सकता। इसके विड्रॉल जो है सिम्टम सिमिलर है किसके, ओपियम के साथ, क्योंकि ओपियम की मॉडिफिकी जो है वोकेशन है, एक मॉडिफाइड शक्ल है। तो बेसिकली अब इसके विड्रॉल जो है थोड़े से ओपियम से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसको मॉडिफाई किया गया, इसके अंदर यूफोरिया की कैफियत पैदा की गई, एक्साइटमेंट पैदा की गई है, इसमें जो है कुछ पेन से रिलेटेड जो है सेंस चीज़ें केमिकल जो है इंड्यूस किए गए हैं, जो इंसान के अंदर जाते ही जो है पेन को जो है मिनिमाइज कर देते हैं। इसके अलावा जो है इसको और प्योरीफाई किया गया है और जो है इस कदर जो है बॉडी के अंदर मैकेनिज्म को जाकर जो है ये चेंज कर देती है कि इंसान समझता है कि मैं एक्टिव हो गया, अब जो है मुझे कोई मसला नहीं है, पेन लेस हो जाता है और जो है समझता है बस अब तो मैं जन्नत में आ गया। इसको इस्तेमाल करने के बाद जो है इसके अंदर इस तरह की जो है कैफियत भी इंसान के अंदर पैदा हो जाती है जो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो है किन तरीक़ों से जो है इस्तेमाल की जाती है? बेसिकली इसको इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। पहले नंबर पर वो तरीका कि ये जो है सिगरेट के अंदर डालती हैं, तंबाकू को बाहर निकालते हैं, उसके अंदर मिक्स करते हैं और जो है इस्तेमाल कर देते हैं, कॉमन है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका ये कि उन्हें जो है सिगरेट से जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, वो क्या करते हैं डायरेक्ट जो है स्निफ करते हैं, नाक के जरिए सूंघते, ठीक है, और जो है अपनी ब्रेन की शरियानों के अंदर लेकर जाते हैं, जो बारीक बारीक शरियाने होती हैं, इवन के बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो है ओवरडोज की वजह से जो है एक्सपायर हो जाते हैं। तीसरा तरीका जो है जो बहुत ज़्यादा गंदा तरीका है, जिसे जो है लोग इंजेक्शन का नाम देते हैं। बहुत सारे लोग जो है इंजेक्शन की तरफ उस वक्त आते हैं जब जो है वो सारे तरीके सारे हर्बे इस्तेमाल कर चुके होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जो है कोई लिक्विड इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है। मैं नाम नहीं आपके साथ शेयर करूँगा, बार दफ़ा जो है वीडियोज़ के अंदर जो है मिस यूज़ कर लेते हैं चीज़ें खुद पेशेंट, अगर कोई देख रहा है तो वो क्या करते हैं, एक किसी स्पेसिफिक जो है फार्मूला के अंदर जो है ये पाउडर को भरते हैं और जो है इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी वेन के अंदर। अब होता ये है कि ज़ाहिर सी बात है ये तब स्टेज आती है जब जो है इंसान के पास जो है कुछ नहीं बचता, तो वो जो सरिंज होती है इनके पास जो है नई सरिंज लेने के पैसे भी नहीं होते, यहाँ तक भी हालात आ जाते हैं हीरोइन को इस्तेमाल करने वालों के, और ये क्या करते हैं एक ही सिरिंज को शेयर करते हैं, डिफरेंट टाइम्स जो है ये इंजेक्ट करते हैं, खुद से डॉक्टर बनते हैं और जो है अपनी वेन जो है रैप्चर कर बैठते हैं और इसकी वजह से भी जो है डेथ हो जाती। तो ये 3 तरीके हैं जिन तरीक़ों से जो है हीरोइन को इस्तेमाल किया जा सकता है। हीरोइन इस्तेमाल करने वाले के बारे में ये कहा जाता है कि इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही कश्मकश में मुबतला रहता है। कैसे इसका जुगाड़ लगाया जाए, कैसे जो है पैसों का इंतज़ाम किया जाए, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल करने के बाद जो है नई डोज को कैसे ख़रीदा जाए, दोबारा से वही चीज़, वही साइकिल बार बार इनके माइंड में घूमता है। इसके अलावा दुनियादारी जाए भाड़ में, पर्सनल रिश्ते जाए भाड़ में, जो होता है जाए भाड़ में, इन्होंने इस्तेमाल करनी है। यहाँ तक कि हमने ऐसे लोग देखे जो हीरोइन को इस्तेमाल करते हैं ना, वो जो है डिफरेंट जो है डिसीजन लेकर रोड के ऊपर आ जाते हैं, भीख मांगते हैं, अपने नशे की ज़रूरत को पूरा करते हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ नशा है और कुछ नहीं, तो वो नशे की ज़रूरत को पूरा करते हैं, किसी भी जो है तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नहीं जानते कि दुनिया में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए सही है या गलत है, कोई जायज़ है या नाजायज़ है। वो कहते बस भाई इसकी जो है ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, और उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये जो है कोई गलत काम भी कर देते हैं, बहुत सारे केसेस देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इसको जो है छोड़ने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है ज्वाइन करना, एडमिशन लेना, रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है अपना इलाज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या जो है
अगर छोड़ना चाहते ही है तो साइकेट्रिस्ट, जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप जो है इन तीनों के साथ रबते में रहेंगे तो तभी आप जो है अपने इलाज को बेहतर कर सकते हैं, वरना जो है आप सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे। इसकी जो सबसे एक कॉमन चीज़ ये है, जो सबसे कॉमन सिम्टम है जिसे जो है दूसरा भी ऑब्जर्व कर सकता है, वो ये कि इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो वेट लॉस कर देते हैं। ये डाइट प्लान नहीं होता कि जो है वो किसी डाइट की वजह से जो है अपने वजन को कम कर रहे हैं, उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है, हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारा कुछ नहीं। हीरोइन की वजह से वजन कम हो जाता है। इसकी दूसरी सिम्टम ये है कि अगर वो जो है मैरिड है तो अपने जो है सेक्सुअल रिलेशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तीसरी जो मेजर सिम्टम है वो ये है कि जैसे इसको छोड़ेगा इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर पेन होगी इंसान के जो इसको इस्तेमाल करते हैं, मछली की तरह तड़पेगा, कभी जो है टांगे बांधेगा, कभी किसी रस्सी के साथ, कभी बाजू बांधेगा। इवन कि हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हुए हैं कि उन्होंने पूरी बॉडी को रैप किया होता है गर्मी जो है डिफरेंट रस्सियों की मदद से कि बस जान छूट जाए, बच जाए। चौथे नंबर पर जो है खतरनाक जो है इनके लिए ये सिम्टम है कि जैसे ही छोड़ेंगे इनका पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन आएंगे और जो है इनके अंदर नमकियात की कमी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा और भी जो है खतरनाक सिम्टम्स हैं, नींद जो है इन्हें नहीं आती। जाहिर सी बात है एक इंसान बेचैनी की हालत में है तो उसे नींद कैसे आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो ऐसे लोगों को नींद भी नहीं आती, भूख भी नहीं लगती। तो खैर अगर कोई इंसान जो है इसको छोड़ना चाहता है तो छोड़ने के लिए बेहतर यही है कि साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट तीनों के साथ रब्ता करें और बजरिए बातचीत अपना इलाज लाजमी जो है यकीनन बनाए, ताकि जो है वो अपनी ज़िंदगी में इसको जो है परमानेंटली जो है छोड़ सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का जो है सवाल है मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेवान।